हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो प्रोटीन से भरपूर है। इसमें पालक है, कॉर्न है, ओट्स है, तो ये बहुत ही आइडियल ब्रेकफास्ट रेसिपी है। साथ ही आप इसे लंच बॉक्स भी ले जा सकते हैं, टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर शाम के नाश्ते में भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले रेसिपी है हमारी ओट्स और पालक का चीला। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप ओट्स। इसे मैं पीसने वाली हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं पैन में, उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए ग्राइंडर में डाल के। देखिए, ओट्स का पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और साथ ही में इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप बेसन। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्स्चर मिलेगा हमारे चिल्ला को। 1/4 कप चावल का आटा, इससे हमारा चिल्ला जो है काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अब साथ ही में डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। हींग डालेंगे ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए ये चिल्ला हमें। साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आप चाहे तो इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट एंड फ्लेवर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों को और हमारे जो फ्लावर है, पाउडर है, उनको। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 कप पानी ऐड करके। यहाँ पे मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है। हमारा बैटर जो है वो थिक है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे बाद में एडजस्ट करने वाले हैं हम पालक ऐड करने के बाद। यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटा बंच पालक का। इसे हम अच्छे से धो लेंगे पानी ऐड करके। पालक में बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है, मिट्टी बहुत सारी होती है, इसलिए कम से कम इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद ही हम इसे चॉप करेंगे। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने फर्स्ट टाइम वॉश किया है, कितना सारा कचरा निकला है। इसी तरीके से ये पानी फेंक कर 3 से 4 बार वॉश कर लीजिए और फिर इसे छोटा छोटा काट लीजिए चाकू के मदद से। अब हम पालक को ऐड करेंगे हमारे बैटर के अंदर जो हमने बनाया था ओट्स, बेसन और चावल के आटे का। साथ ही में मैं इधर ऐड कर रही हूँ 1 कटा हुआ टमाटर और फिर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप पानी। आप चाहे तो यहाँ पे जो दूसरे वेजिटेबल्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैबेज, गाजर, शिमला मिर्च, ये सब वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मैं इसे सिर्फ टमाटर और पालक से बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने बैटर को। देखिए, हमारा जो बैटर है वो थिक है, बहुत ही पतला नहीं बनाना है हमें, इसी कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए हमारा। साइड में मैंने यहाँ पे कास्ट आयरन पैन को गर्म कर लिया है, पानी छिड़क के इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर लेंगे और फिर 1 बड़ा चम्मच भर के जो बैटर है मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी और इसे सर्कुलर मोशन में इसी तरह से चलाते हुए अच्छा सा एक शेप दे देंगे प्रॉपर। आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने बैटर अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाने वाले हैं। जब ऊपर का ऐसा लग रहा है आपको कि सूख चुका है तो आप इसे ग्रीस कर लीजिए ऑयल से। सिर्फ 1 ही चम्मच तेल यूज़ किया है मैंने यहाँ पे और फिर इसे पलट कर दूसरे तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। याद रखिए, आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो खाली ऊपर से पक जाएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए, हमारा जो चिल्ला है वो पककर बिल्कुल तैयार है। ब्राउन स्पॉट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर। अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर चिल्ले के ऊपर ऐड कर रही हूँ मैं टमाटो केचप। आप चाहे तो शेजवान चटनी, हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे टमाटो केचप अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और फिर एक्स्ट्रा प्रोटीन्स के लिए मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ग्रेटेड पनीर। चीज़ अगर आपको पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेटेड पनीर स्प्रेड करने के बाद हल्का सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। फिर हम इस चिल्ले को रोल करेंगे और रोल करके आप इसे एल्युमिनियम फॉइल में या बटर पेपर पे रैप करके ऑफिस लंच बॉक्स के लिए सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। आज की दूसरी रेसिपी है ग्रिल्ड स्पिनच कॉर्न सैंडविच। मैंने लिया है
एक चम्मच तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैंने डाला है 2 से 3 कलियां लहसुन की कटी हुई, इसे सुनहरा होने तक पकाएंगे। फिर डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। उस बीच में हम अपने पालक के पत्तों को धो लेंगे अच्छे से 3 से 4 बार पानी में और उसे रफली चॉप कर लेंगे। अब हमारा रफली चॉप किया हुआ पालक ऐड करते हैं, साथ ही में डालेंगे 1/2 कप स्वीट कॉर्न कर्नल्स, डालेंगे ऊपर से नमक स्वाद अनुसार, मिक्स करेंगे अच्छे से और ढककर रख देंगे लगभग 2 मिनट तक पकने के लिए धीमी आंच पर। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और 1/4 कप 1/4 कप ग्रेटेड चीज़। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमारा जो मिश्रण है पालक और कॉर्न का बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, ब्राउन ब्रेड लिया है मैंने यहाँ पे, उसके ऊपर मैं रख दूंगी 1 चीज़ का स्लाइस और हम उस पे स्प्रेड करेंगे हमारा पालक और कॉर्न का मिश्रण जो बनाया था हमने। इसे कवर कर लेंगे दूसरे ब्रेड से। अब बटर लगा के उसे टोस्ट कर लेंगे। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही टोस्ट करना है, इसी से हमारा जो सैंडविच है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। चलिए, हमारा स्पिनच कॉर्न का सैंडविच बिल्कुल तैयार है। इसे कट कीजिए और इस चीज़ी सैंडविच को एन्जॉय कीजिए टमाटो केचप के साथ। मेरी रेसिपी इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।